और अब एम्प्लॉई ऑफ द मंथ घोषित करने का समय आ गया है, जिस मधुमक्खी ने सबसे ज्यादा शहद इकट्ठा किया है। और इस बार हनीवेल बी ऑफ द मंथ अवार्ड की विजेता है टेरी मल्होत्रा। मैं खुद का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इतनी कड़ी मेहनत जो की है मैंने, और इस मौके पे मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। मैं तो चाहूंगी खुद को है, क्योंकि मुझसे और कोई नहीं, करूंगी वो दिल कहे जो जू जू जू, तुम भी मुझसे बनो। चाखो वेका, चाखो वेका, चाखो वेका। Wake up! Wake up! उठो डेरी, उठो, प्लीज उठ जाओ। जल्दी करो, तुम्हें पहुंचना है हनीवेल। Oh, thank you, thank you. Hey भगवान, कितने बजे? किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? I'm late. जल्दी करो टेरी, मम्मी ने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है, हनी सैंडविच और हनी की चटनी और हनी शेक। जल्दी करो वरना मुझे भी खाने नहीं मिलेगा। मॉम, जल्दी करो। पहले मैं। हट जाओ टेक। बाय मॉम, बाय डैड, मैं चलती हूँ। गुड लक टेरी। गुड लक टेरी। गुड लक टेरी। गुड लक टेरी। हनीवेल कंपनी में हमारा नाम रोशन करना। थैंक्स गाइस। फाइनली पहुंच गए हनीवेल। अच्छा तो तुम हो टेरी मल्होत्रा, मक्खी महाविद्यालय से? जी सर। पहले ही दिन में लेट हो, हाँ? I'm sorry सर, वो मुझे स्टेज पे वार्न मिल रहा था और मैं गाना गा रही थी और गाते गाते अलार्म बजा और फिर। अरे ठीक है, तुम्हारा पहला दिन है इसलिए माफ कर देते हैं। अब जल्दी चलो, थोड़ा काम पे लग जाओ। बाकी की मधुमक्खियाँ कब की निकल चुकी हैं? अभी निकली सर। पकड़ो तुम्हारी जमा टोकरी, इसे इस्तेमाल करना तो तुम्हें पता होगा। एकदम अच्छे से सर, अपनी हनी कलेक्शन थियरी पेपर में मैं फर्स्ट आई थी। अरे वो जरूरी नहीं है, देखते हैं आज प्रैक्टिकल का रिजल्ट, जो जीता वही सिकंदर। ये तुम्हारा ऑफिशियल हनीवेल बैच। थैंक यू सर। शुरू हो जाओ। अरे यार, हे वो मेरा फूल है। सॉरी, इस फूल पे क्या तुम्हारा नाम लिखा है? टेरी मल्होत्रा। तुम्हारा पहला दिन है, राइट? हाँ। वेल, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पुराने जमाने की टोकरी को नोटिस नहीं किया, अगली बार थोड़ा ध्यान रखूंगी। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम्हें खुद को मॉडर्नाइज करना होगा, वरना तुम हमसे कभी कम्पीट नहीं कर पाओगी। मेरी टोकरी भर चुकी है, see you later. नताशा की बात का बुरा मत मानना, थोड़ी नकचड़ी है लेकिन दिल से बुरी नहीं है। हर महीने उसे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है। वाओ, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ। चेरी, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? कल तुम्हें काम पे जाना है। मॉम, मुझे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने के लिए करना पड़ेगा। इतना स्ट्रेस मत लो टेरी, ये तुम्हारे जॉब का सिर्फ पहला दिन है। और मैं नहीं चाहती कि ये मेरा आखिरी दिन हो। मॉम, मुझे काम करने दो। हाँ माँ, काम करने दो। मुझे ये अवार्ड किसी भी कीमत में हासिल करना है। मैं सारी मधुमक्खियों को ये दिखा दूंगी कि मैंने पहले ही महीने में ये अवार्ड जीत लिया। वाओ,
झड़कना मैं फुदक के, मैं चली हूँ फर फर करके, कोई पकड़ न पाए ऐसे उड़ चली हूँ सर सर करके। ना उछलकना मैं फुदक के, मैं चली हूँ फर फर करके, कोई पकड़ न पाए ऐसे उड़ चली हूँ सर सर करके। कभी मैं आगे तू पीछे, कभी तू आगे मैं पीछे, कभी तू नीचे मैं ऊपर, कभी मैं ऊपर तू नीचे। ना 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 ना। टेरी, इस महीने जरूर तुम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड जीतोगी। तुमने तो अपने दिमाग और कड़ी मेहनत से कमाल ही कर दिया। थैंक्स बुलबुल, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अरे ठीक है टेरी, बहुत बढ़िया। आज का कलेक्शन भी अपने शहर लॉकर में डाल दो, कल हम सबका हिसाब करेंगे। नताशा तो हर महीने अवार्ड जीतती है, एक बार हार भी जाए तो क्या होगा। लेकिन कितनी बड़ी बात होगी ना कि मैं एक नई एम्प्लॉय ये अवार्ड जीत ले। सारी मधुमक्खियाँ कितनी इम्प्रेस होगी मुझसे। मैं ये शहर चुरा लूँ क्या, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओह नो, मैं इस बार नहीं जीत पाई, नहीं जीत पाई। मैं हमेशा यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक कर रही हूँ। मैं क्या करूँ, मैं इस तरह अपना विनिंग स्टेटस नहीं खो सकती। क्या करूं मैं। टेरी, कैसा रहा दिन? बेचारी थक गई होगी। मैं उसे ठीक करता हूं। कर लिया। चोर कहीं की ईमानदारी से नहीं जीत पा रही थी तो अब तुम चोरी पर उतर आई। नहीं, ऐसा नहीं। टेरी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा तुम एक मेहनती और ईमानदार मधुमक्खी हो। बुलबुल, मैं यू आर अ चीटर। चीटर, तुमसे कौन बात करना चाहेगा टेरी? नहीं नहीं, मैं चीटर नहीं हूँ। तुम पे कोई भरोसा नहीं करेगा, तुम हमारी फ्रेंड नहीं बन सकती। तुम, मैं क्या बोलूं? हनीवेल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। सुपरवाइजर सर, मैं टेरी मल्होत्रा, हमें बेईमानी से सख्त नफरत है। क्या तुम्हें ईमानदारी की कीमत नहीं पता? तुमने नहीं सुना, बेईमानी होती है सबसे बड़ी बेवकूफी। टेरी मल्होत्रा से बड़ी बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है सर। मैं बहुत 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 शर्मिंदा हूँ खुद से। प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए। यो आर फायर। वो क्या था? मैं इतना डर गई थी, सब नफरत कर रहे थे मुझसे। थैंक गॉड, वो एक सपना था। मुझे ऐसे बेईमानी भरे विचार कैसे आए? मैं चीटर कहलाना नहीं चाहती हूँ। सुबह हो गई, मुझे भूख लगी है। नो, वापस सो जाओ निक। क्या मुझे हनी पॉपकॉर्न मिल सकते हैं माँ? अभी नहीं। क्या मुझे कुछ फ्रेंच फ्राइज मिल सकती है माँ? अभी नहीं। क्या मुझे और फाइनल गिनती के बाद एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जाता है टेरी मल्होत्रा। कंग्रेचुलेशंस टेरी, तुमने तो अपने पहले महीने में ही अवार्ड जीत लिया। लेकिन रानी साहिबा, चुप रहो टेरी, चुप। आगे एक शब्द भी मत बोलना। ये ट्रॉफी जीतना तो तुम्हारा सपना था ना? किस्मत तुम्हारे हाथों में ये अवार्ड सौंप रही है, ले लो इसे। तुम बेवकूफ हो क्या?
तुम्हें याद नहीं क्या वो डरावना डर? याद करो उस सपने में तुम कितनी शर्मिंदा थे खुद से। तुमने डिसाइड किया था ना कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे। तुम क्या चुनोगी? बेईमानी से लोगों को इम्प्रेस करके धोखे से प्राइज जीतोगी और इस शर्मिंदगी में जियोगे, या ईमानदार रहोगी? डिसाइड करो क्या करोगी। रानी साहिबा, मैं ये अवार्ड नहीं ले सकती क्योंकि मैं इसके हकदार हूँ ही नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कल जाने से पहले सारे काउंटर्स चेक किए थे और नताशा का मुझसे ज्यादा था। ऐसा कैसा हो सकता है? मैंने खुद सारे काउंटर्स चेक किए हैं और तुम्हारे डिब्बे में सबसे ज्यादा शहद था। ये तो सच में एक पहेली है। मेरे पास एक तरीका है इस समस्या को सुलझाने का। चलो स्क्रीन पे सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सीसीटीवी? अच्छा हुआ कल का सपना सिर्फ एक सपना ही था, वरना मैं सचमुच पकड़ी जाती। नताशा, तुरंत स्टेज पे आ जाओ। नताशा, तुम हर महीने हनीवेल की एम्प्लॉई ऑफ द मंथ रही हो, तुमने ऐसी हरकत क्यों की? वो क्या है ना रानी साहिबा, हनीवेल कंपनी रूल्स के तहत कोई भी मधुमक्खी अपने को वर्कर के साथ अपने हिस्से का शहद बांट सकती है। मैं टेरी की लगन देखकर इतना खुश हुई कि मुझे लगा उसे अवार्ड मिलना चाहिए जिससे वो और एंकरेज हो पाए। सही है रानी साहिबा, नताशा बिल्कुल सही कह रही है। धारा 5B के तहत कोई भी मधुमक्खी अपना शहद किसी अन्य मधुमक्खी के साथ बांट सकती है। बिल्कुल सही, ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी भी वर्कर को अपनी साथी की टोकरी में अपना शहद भरने से रोके। लेकिन इसका मतलब नताशा ने सबसे ज्यादा शहद कलेक्ट किया। इस महीने का अवार्ड भी तुम्हें ही मिलेगा, टेरी मल्होत्रा। अभी कहीं मत जाना, तुमने भी एक अवार्ड जीता है। मैं? बिल्कुल, ईमानदारी का अवार्ड। तुम्हारे पास एक चॉइस थी, तुम चाहती तो तुम बेईमानी करके ये अवार्ड खुद रख सकती थी, लेकिन तुमने सच बोल के अपनी ईमानदारी दिखाई और अवार्ड नहीं रखा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। वाओ, ईमानदारी से तो सचमुच दिल से खुशी मिलती है और बेईमानी और झूठ से तो सिर्फ डर और घबराहट होती है। थैंक्स नताशा, तुमने मेरे बारे में सोचा। मैं चाहूंगी कि तुम मेरी दोस्त बनो। अगर मैं तुम्हारे साथ चीटिंग करती तो मैं कितनी बड़ी बेवकूफ होती। टेरी, मैं जरूर तुम्हारी दोस्त बनना चाहूंगी। Dishonesty is the best foolishness.